भागलपुर चंपानगर के जगन्नाथ मंदिर से बाबा जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। ये रथ यात्रा चंपानगर के बड़ी ठाकुरवाड़ी से निकलकर नरगा नाथ नगर चौक, मनासकामना नाथ चौक से होते हुए पुनः चंपानगर के बड़ी ठाकुरवाड़ी मंदिर पहुंची। ठाकुरवाड़ी के पुजारियों ने काफी प्रेम और निष्ठा से बाबा जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। इस रथ यात्रा में शहर के कई शिक्षाविद, समाजसेवी के अलावे सैकड़ों संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ पर आम केला आदि फलों का भोग लगाकर पूजा अर्चना की। कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद भक्तों को भगवान का साक्षात दर्शन करने तथा रथ खींच कर पुण्य कमाने का अवसर मिला। ऐसे में इस साल की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। राष्ट्रीय उच्च पथ 80 जो बिहार के मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव होते हुए झारखंड के साहिबगंज से लेकर बंगाल के फरक्का तक है, लेकिन जो कहानी आज हम आपको बता रहे हैं वो भागलपुर सबौर से कहलगांव पीरपैंती तक की है। ये मार्ग पहले राजकीय उच्च पथ था, जिसे 2001 में राष्ट्रीय उच्च पथ का दर्जा मिला। 310 किलोमीटर लंबी सड़क से बिहार के मुंगेर, भागलपुर, झारखंड के मिर्जा चौकी, साहेबगंज, बंगाल के फरक्का समेत कई शहर व इलाके जुड़े हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो घोघा से कहलगांव तक खूनी गड्ढे बन गए हैं, जहां लगातार ट्रक और वाहन पलट रहे हैं। बारिश के बाद तो NH खेत बन चुका है। ट्रकों के फंसने और गुल्ले टूटने के बाद लगातार जाम से जूझना पड़ता है। इस रास्ते से 30,000 वाहन हर रोज चलते हैं, स्कूली बसें चलती हैं, हर किसी को इसका दंश झेलना पड़ता है। हाल ही में इसी सड़क के गड्ढे में मछली भरी पिकअप वाहन पलट गई थी, जिसके बाद तालाब नुमा गड्ढे में ग्रामीणों व बच्चों ने जमकर मछलियां पकड़ी। हर रोज इस NH से सफर करने वाले कहलगांव अनुमंडल निवासी नवीन कुमार हमसे बात करते हुए सरकार के प्रति आग बबूला दिखे। उन्होंने कहा कि उम्मीद नहीं है कि यह अब बनेगा, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, जांच हो तो पता चल जाएगा। सांसद 2 साल में अब क्या कर लेंगे, बारिश के मौसम में इस रास्ते से जाना जान जोखिम में डालने जैसा है। NH 80 के किनारे घोघा में ही रहने वाले भागलपुर सांसद अजय मंडल जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनका बयान था कि 90 दिनों में NH 80 दुरुस्त होगा। उसके बाद फिर बनने के नाम पर पिचिंग हुआ, जो महीने भर में फिर उसी अवस्था में पहुंच गया। अब सांसद कह रहे हैं कि NH 80 का काम अगले महीने शुरू हो जाएगा। बरसात में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन बरसात के बाद काम तेजी से होगा और NH 80 ऐसा बन जाएगा कि 25 साल तक सोचना नहीं पड़ेगा। इसके बनने में 1,000 करोड़ के करीब लागत आएगी। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने कहा कि NH 80 के लिए 2 पैकेज में काम होना है। टेंडर हो चुका है, एजेंसी भी आ चुकी है। मेजर समस्या फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर आ रही है, प्रोसेस चल रहा है, क्लियरेंस के बाद एजेंसी काम करेगी। सबौर के बाद से कहलगांव तक गड्ढों को भरने की जरूरत है। कार्यपालक अभियंता से इसको लेकर बात की गई है और 10 दिनों के अंदर सभी गड्ढे भर दिए जाएंगे। करूंगा इस रोड को जितना जल्दी हो सके आप ऊपर तक पहुंचाइए, क्योंकि इस रोड में जितना परेशानी कहलगांव अनुमंडल के निवासी को हो रहा है, शायद ऑल इंडिया में कहीं किसी को नहीं होता होगा। क्या लगता है बन पाएगा? ये तो यहाँ तो बनने का उम्मीद क्या बोलते हैं, हम लोग तो सोच रहे हैं कि अगर बन जाए तो स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा, लेकिन बनने का कोई उम्मीद नहीं है इस रूट का। हर बार वही पिचिसिंग होता है, सिक्का वर्ड कर दिया, रिपेयरिंग माल उठा के रख लेता है। जब NH 80 का काम कब तक शुरू हो सकेगा? NH 80 का काम जो है हमें उम्मीद है कि अगले महीना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बरसात को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बरसात के समय में जैसे कि मिट्टी का नहीं मिलना हो जाएगा और पानी के कारण उनका मशीनरी काम नहीं करेगा, कॉन्ट्रेक्टर का लेबर काम नहीं कर सकेगा, तो बरसात भर तो काम अब बंद रहेगा, लेकिन NH 80 मेरा चालू रहेगा, फुल मेंटेनेंस में रहेगा। कब तक ये शुरू हो सकेगा, लगभग क्या उम्मीद? हमको लगता है कि बरसात के बाद काम शुरू हो जाएगा, बड़ा स्पीड से शुरू हो जाएगा। कितने की लागत लग रही है इसमें? इसमें 1,000 करोड़ से लगभग अधिक का लागत। क्या उम्मीद करते हैं अब दुरुस्त NH मिलेगा भागलपुर वासी को? इतना दुरुस्त मिलेगा कि फिर इस NH पर 25 साल तक सोचना नहीं कि इतना मजबूती के साथ बन रहा है। 4 लेन का भी काम चल रहा है आपके? 4 लेन का भी काम चल रहा है। उसका काम कितना तेजी से चल रहा है?
अब पूरा काम तेजी से चल रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तो लोग फोर लेन का यूज भी कभी कभी कर लेते हैं, लोग जिन्हें लगता है कि उधर से स्पीड से निकलना, तो मिट्टी वाला रास्ता भी इतना सुंदर बना दिया गया कि लोग उससे भी अपना रास्ता तय कर लेते हैं। ठीक है। फिलहाल एक दूसरा जो हम लोगों का पुराना NH80 है, जो मुंगेर से मिर्जा चौकी तक जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट है, उसमें भी भागलपुर जिले में दो पैकेज में काम होना है। दोनों में टेंडर हो गया, पिछले साल ही हुआ था लेकिन फिर कैंसिल होना करना पड़ा मिनिस्ट्री को, फिर से टेंडर हुआ है। और जो बाईपास, भागलपुर बाईपास से जो कहलगांव पीरपैंती मिर्जा चौकी तक काम करेगी, वो एजेंसी भी आ गई है। इसमें मेजर समस्या है फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर के, प्रोसेस चल रहा है, स्टेट लेवल से ये आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है जैसा मुझे कार्यपालक अभियंता ने बताया है। इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बाद जो है वो एजेंसी काम शुरू करेगी। एजेंसी के पदाधिकारियों ने भी और कार्यपालक अभियंता ने भी मुझे आश्वस्त किया है, लेकिन हम लोगों ने अनुरोध किया और जो एजेंसी के सीनियर ऑफिसर MD वगैरह आए हुए थे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर NH भी थे, तो हम लोगों ने बताया कि कहलगांव सबौर के बाद से कहलगांव तक रास्ता काफ़ी जर्जर है, उन गड्ढों को भरने की ज़रूरत है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसी सप्ताह से जो है वो गड्ढों को भरने का काम शुरू कर देंगे ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो और लोगों को कम से कम जो है वो कष्ट हो। ये हम लोग इंश्योर कराएंगे कि अगले 10 दिन में उन गड्ढों को भर दिया जाए। सर कितने की लागत आ गया ये अमाउंट आप ले लीजिएगा NH के अभियंता से, लेकिन इसमें ये बड़ी राशि की परियोजना है। जो NHAI के 4 पैकेज हैं और जो 2 पैकेज में काम भागलपुर जिले में NH एग्जिस्टिंग, NH के स्ट्रेंथनिंग और वाइडनिंग का काम।